अब देखते हैं लीगल कस्टम्स को. दीज आर द कस्टम ऑपरेट एज ए बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ, यानी ये सभी को फॉलो करना रहता है, मैंडेटरी रहता है. दे हैव बीन रिकग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट. अगर कोई फॉलो नहीं करता, आप कोर्ट जा सकते हैं और उसको ये फॉलो करने पे विवश कर सकते हैं. देयरफॉर दे हैव बिकम पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड. लीगल कस्टम्स आर अगेन टू काइंड्स, दो तरह के इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है लोकल कस्टम और दूसरा होता है जनरल कस्टम. जब हम लोकल कस्टम की बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर लोकैलिटीज में एप्लीकेबल रहते हैं या किसी पर्संस पे, खास पर्संस पे एप्लीकेबल रहते हैं. और दूसरी तरफ जनरल कस्टम्स जो रहते हैं वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे राष्ट्र में वो एप्लीकेबल रहते हैं. तो सबसे पहले हम लोकल कस्टम के बारे में देख लेते हैं. लोकल कस्टम, जैसा कि मैंने बताया है, विच प्रिवेल्स इन सम डेफिनेट लोकैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट सोर्सेस ऑफ लॉ फॉर दैट प्लेस ओनली. बट देर आर सर्टेन सेक्ट्स और कम्युनिटीज विच टेक देयर कस्टम विद देम वेर एवर दे गो, यानी जिसको हम खाना बदोश कहते हैं. एक कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं किसी खास पर्टिकुलर एरिया में, वो कहीं और जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां पर भी वो उन कस्टम्स को फॉलो करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल कस्टम, उन्हें भी हम लोकल कस्टम ही कहते हैं. दस लोकल कस्टम कैन बी जियोग्राफिकल लोकल कस्टम और पर्सनल लोकल कस्टम. दीज कस्टम्स आर ओनली फॉर पर्टिकुलर लोकैलिटी सेक्शन और कम्युनिटी. दूसरी तरफ अगर हम देखें जनरल कस्टम्स की बात करें, जनरल कस्टम इज दैट विच प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. एंड द कॉमन लॉ इन इंग्लैंड इज इक्वेटेड विद द जनरल कस्टम्स ऑफ रियाल्म. तो वहां पर जो कॉमन लॉ है इंग्लैंड का, वो पूरा जनरल लॉ और जनरल कस्टम्स की कैटेगरी में आता है, जिसको कि सभी को फॉलो करना रहता है.